सो पिछले कुछ दिनों से मैं अपने YouTube चैनल की ऑलमोस्ट हर एक नई वीडियो पर YouTube के द्वारा एक ऐसा फीचर जो कि हाल ही में रिलीज किया गया, जो कि है YouTube वीडियो की थंबनेल से रिलेटेड टेस्ट एंड कंपेयर का, जो कि मैं अपनी हर एक वीडियो में इस समय इस्तेमाल कर रहा हूं। और यहां पर दोस्तों YouTube वीडियोस के थंबनेल को लेकर यहां पर मेरे दिमाग में काफी तरह के जो डाउट थे या काफी तरह के जो मेरे दिमाग में सवाल थे, उन सभी चीजों का जो हल है या उन सभी चीजों का जो जवाब है वो यहां पर मुझे मिल गया है। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ अपना एक कंप्लीट एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि मैंने इस फीचर को अपनी YouTube वीडियो में किस तरह से इस्तेमाल किया, यहां पर मुझे इसका क्या रिजल्ट मिला। और दोस्तों इसके जो रिजल्ट हैं वो यहां पर जानकर आप भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाओगे, हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा काम की होने वाली है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को अपनी YouTube वीडियो के लिए 3 थंबनेल बनाकर रख लेने हैं। अब हो सकता है कि यहां पर आपके दिमाग में ऑलरेडी अपनी YouTube वीडियो से रिलेटेड 3 अलग अलग तरह के थंबनेल के आइडियाज हों। यदि आप 3 थंबनेल नहीं बनाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप यहां पर 2 थंबनेल भी बना सकते हैं YouTube के इस टेस्ट एंड कंपेयर फीचर को इस्तेमाल करने के लिए। जब आप यहां पर 2 थंबनेल बना लेते हैं तो सिंपली आपको दोनों थंबनेल को अपनी YouTube वीडियो में अपलोड करना होता है। अपलोड करने के लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल मेथड है। सबसे पहले आपको अपनी YouTube वीडियो के इन्फॉर्मेशन में चले जाना है। YouTube वीडियो के इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद आपको सिंपली ऊपर की तरफ स्क्रॉल अप करना है और वहां पर आपको जो थंबनेल वाला फीचर देखने को मिलता है, जहां पर पहले आप अपने YouTube वीडियो का थंबनेल चेंज कर पाते थे, वहीं पर अब आपको ये YouTube का टेस्ट एंड कंपेयर फीचर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी ये केवल डेस्कटॉप वर्जन पर ही अवेलेबल है, आप इसे मोबाइल के YT स्टूडियो ऐप से या YouTube ऐप से अभी फिलहाल इसे नहीं कर पाएंगे। दोस्तों थंबनेल अपलोड करने के बाद यहां पर आपको एटलीस्ट कम से कम 10 दिनों का वेट करना पड़ेगा उसके प्रॉपर रिजल्ट के लिए। हालांकि 3-4 दिन बाद से ही ये आपको कुछ हद तक उसका जो रिजल्ट है वो दिखाना स्टार्ट कर देगा कि स्टार्टिंग से ही कौन सा ऐसा थंबनेल है जो कि अभी सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है। तो वहाँ पर आपको कुछ कुछ परसेंटेज देखने को मिल जाएंगे और उसके हिसाब से आपको जो थंबनेल है वो उस हिसाब से ऊपर नीचे भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप थंबनेल बनाकर उसे अपलोड करने के बाद 3-4 दिन बाद से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैंने अपने YouTube चैनल पर जो भी 3 थंबनेल अपलोड किए थे, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से उसके बारे में बात कर लेता हूँ कि आखिर मैंने यही 3 थंबनेल क्यों अपलोड किए। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर जो 3 थंबनेल देख रहे होंगे उसमें से जो पहला थंबनेल है वो बिल्कुल अलग है और जो बाकी के 2 थंबनेल है वो आपस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और जो थंबनेल दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं उसमें एक छोटे से अंतर की वजह से उन दोनों थंबनेल का ऑडियंस इंटरेस्टेड थी उसमें ऑलमोस्ट 10-11% का अंतर है। यानी एक थंबनेल है जिसमें लोग 10-11% ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वहीं दूसरा ऐसा थंबनेल है जिसमें ऑडियंस सबसे ज़्यादा कम इंटरेस्ट ऑडियंस ने लिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर इन दोनों थंबनेल में ऐसा अंतर क्या था या क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से जो फर्स्ट वाला थंबनेल था वो तो बिल्कुल ही अलग था, लेकिन जो सेकंड और थर्ड वाला थंबनेल था वो आपस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होने के बावजूद भी यहाँ पर जो ऑडियंस है उन्होंने सेकंड वाले थंबनेल को ज़्यादा प्रेफर किया बजाय कि थर्ड वाले थंबनेल को। जो सेकंड वाला थंबनेल है उसमें जो मेरा अपना खुद का फेस लगा हुआ है उसमें मैंने कुछ इस तरह का रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन जो थर्ड वाला थंबनेल है उसमें मेरा जस्ट एक नॉर्मल थंबनेल है जिसमें मैंने ऐसे साइड में हाथ करके दिखाया हुआ है कि मेरा टॉपिक क्या है या किस बारे में है। यानी जो यहाँ पर मेरा फेस का रिएक्शन है, इतना सा अंतर होने की वजह से इन दोनों के अप्रूवल रेटिंग है उसमें 10-11% का चेंज आ गया है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि थंबनेल में हम लोग जो भी रिएक्शन देते हैं यहाँ पर उस रिएक्शन का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उसके अलावा जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो विनर थंबनेल है वो यहाँ पर फर्स्ट वाला है, तो वो फर्स्ट वाला इसलिए दोस्तों क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल पर ऑलमोस्ट जो फर्स्ट वाला थंबनेल है इस तरह के ही सभी थंबनेल अपलोड करता हूँ। जो सेकंड और थर्ड टाइप का थंबनेल आपको देखने को मिल रहा है ये मैं कभी कभार जस्ट ट्राई करने के लिए या बहुत ही कम टाइम इस तरह का थंबनेल यूज करता हूँ। तो इस वजह से यदि आप अपने YouTube चैनल पर किसी एक फिक्स पैटर्न में लगातार कोई एक थंबनेल बना रहे हैं तो आपकी ऑडियंस जो है वो या जो भी लोग आपको देखते हैं वो जल्दी उस थंबनेल पर क्लिक करके आपकी वीडियो को देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, यदि कोई नया व्यक्ति आपके यदि वीडियो को देख रहा है तो उसमें डेफिनेटली वो तीनों में से जो थंबनेल उसको ज़्यादा कैची लगेगा वो उस थंबनेल को सिलेक्ट करेगा, लेकिन आपकी यदि कोई एग्जिस्टिंग व्यूअर हैं या आपके जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं वो उसी थंबनेल को सबसे पहले क्लिक करेंगे जिस तरह का थंबनेल आप हमेशा अपलोड करते हैं। किसी भी YouTube वीडियो के थंबनेल को लेकर कि मैं इस वीडियो का थंबनेल इस तरह का बनाऊं उस तरह का बनाऊं या मैं अपने इस थंबनेल में थोड़ा सा ये डाल दूं अपने उस थंबनेल में थोड़ा सा ये डाल दूं, मेरा ये थंबनेल चलेगा कि नहीं चलेगा, काफ़ी अलग अलग चीज़ें जो है वो ट्राई कर सकते हैं और उनको ट्राई करने के बाद हम उनके रिजल्ट को या उनके रिस्पॉन्स को देखकर ये समझ सकते हैं कि किस तरह का थंबनेल वाकई में आपकी YouTube वीडियो के लिए सबसे बेस्ट है या किस तरह का ऐसा थंबनेल है जो कि आपके YouTube वीडियो पर आपको सबसे ज़्यादा व्यूज ला के
दे सकता है। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।